वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। लर्न विथ लर्नर के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे यूपी बीएड 2023 के फर्स्ट फेज के रिजल्ट अलॉटमेंट के बारे में। जिनका अलॉटमेंट रिजल्ट नहीं दिखा रहा है वे क्या करें और अलॉटमेंट रिजल्ट कैसे डाउनलोड होगा, इन दोनों प्रोसेस पे हम बात करेंगे और डाउनलोड होने के बाद कैसा दिखता है ये चीज़ों पे भी हम बात करेंगे। हालांकि आज के दिन पे रिजल्ट आने को था लेकिन बहुत सारे लोग लगातार पूछ रहे हैं कि हमारा रिजल्ट अभी तक नहीं शो कर रहा, तो उस पर ही बात करेंगे। तो हम पहले बता देते हैं प्रोसेस क्या होगा। आप लोग पहले यहाँ पर आएंगे सरकारी रिजल्ट पर, फिर डायरेक्ट आप लोग पहुँच जाएंगे यूपी बीएड के ऑफिशियल साइट पर। तो आप यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे, उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा आप सभी के ऊपर। आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन प्रिंट काउंसलिंग चॉइस फिलिंग, उसके बाद एक आल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो आल के ऑप्शन पे अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो यहीं पे आप लोगों को अलॉटमेंट रिजल्ट देखने को मिलेगा। हम फिर से थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पर एडमिट कार्ड हल्का सा कलर चेंज करते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे देखेंगे एडमिट कार्ड स्कोर कार्ड का ऑप्शन दिखा रहा है और हेल्प डेस्क का ऑप्शन दिखा रहा है, लेकिन अभी तक 8 बजने को अभी तक रिजल्ट के बारे में नहीं बता रहा, जबकि 1 PM ऑफिशियल टाइम था कि जब तक रिजल्ट आ जाएगी। इस बार 15,200 लोग ही फर्स्ट फेज में बैठे हैं, तो उसके बाद भी अभी तक अलॉटमेंट रिजल्ट यूनिवर्सिटी नहीं दिए, तो कहीं ना कहीं आँख मिचोली कर रही है। और इस बार यूनिवर्सिटी हर एक चीज़ बीएड को लेकर लेट कर रही है। तो सही बता दें कि अभी तक नामात्र के लिए 1-2 बच्चों का ही रिजल्ट शो कर रहा है, अभी किसी का नहीं शो कर रहा है, अभी किसी का कमेंट नहीं है। अगर आप लोग का रिजल्ट शो कर रहा है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और थोड़ा सा वेट करिए, 9 PM तक रिजल्ट सबका शो कर जाएगा। थोड़ा सा वेट करिए जिनका नहीं शो कर रहा है, हौसला रखिए। इस बार ज़्यादातर लोगों को सरकारी सीट मिल जाएगी, हर 2 में से 1 बंदे को सरकारी सीट मिल जाएगी, क्योंकि 15,200 बंदे ही बैठे हैं और 8500 सीट है, EWS और जनरल का मिला के 8500 सीट है। तो थोड़ा सा देर रखिए, अब हम बता देते हैं कैसा रिजल्ट आपका दिखाएगा। तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये हालांकि 2022 का है, तो चॉइस फिलिंग के नीचे स्कोर कार्ड के बीच में अलॉटमेंट रिजल्ट दिखाएगा। हालांकि इस बार अभी तक नहीं दिखा रहा, आप देखे होंगे तो हेल्प डेस्क चॉइस फिलिंग और स्कोर कार्ड ही दिखा रहा है, लेकिन लास्ट ईयर का देखें तो अलॉटमेंट रिजल्ट शो कर रहा है। तो इसी तरीके से इस बार भी अलॉटमेंट रिजल्ट शो करेगा और जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो फिर डाउनलोड होकर कुछ ऐसा आपका अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा जिसपे आपके जो कॉलेज अलॉट हुआ उसका नाम रहेगा, फिर आपका बेसिक डिटेल रहेगा, आपका आपके पिता माता जी का नाम, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी और जो बेसिक डिटेल है घर का पता वह दिखा देगा और किस फेज में आप काउंसलिंग कराए वह दिखा देगा। फिर कॉलेज का जो बेसिक डिटेल वह दिखा देगा, कौन सा कॉलेज है, कॉलेज की जीमेल आईडी, कॉलेज का टाइप किस तरीके का है, किस कैटेगरी से आपको कॉलेज मिला, ये सारी चीज़ें दिखा देगा और नीचे फीस दिखा देगा कि आप 5,000 एडवांस फीस दिए थे, उसमें से जो कॉलेज का फीस था 3100 रुपये था और जो बाकी बचा पैसा वो मिल जाएगा। तो इस बार भी यही होगा, जो पैसा मान लीजिए आप 5,000 दिए हैं तो अगर 3500 आपके कॉलेज का फीस है तो 1500 रुपये जो बाकी है वह आपको जनवरी तक आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए और कोई भी क्यूरी है तो जरूर कमेंट करिए, अगर जिनका रिजल्ट शो कर दिया वे भी नीचे जरूर कमेंट करें। बाकी हर एक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना, मिलते हैं जल्दी रिजल्ट से जुड़ी किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।